अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अटेंशन प्लीज। ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। फिर आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जैसा तुम लोग पीडीएफ में देखे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे, विजयनगर एम्पायर। पहले तो एस्पिरेंट इसको अच्छे से पढ़ते नहीं, और यूपीएससी लगातार 3-4 साल से वो सवाल पूछ रहा है। 2015 में पूछा, 16 में पूछा, 2019 में 2 सवाल पूछा, डायरेक्टली पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है, मेंस में पूछ लिया 2016 में सवाल। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वी नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, तो विजयनगर एम्पायर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। और एडवांटेज ये है कि अदर एस्पिरेंट जो है कॉम्पिटेटर्स तुम्हारे, वो प्रिपेयर नहीं होते, ढंग से प्रिपेयर नहीं होते। तो इस वजह से जो अच्छा प्रिपेयर हुआ उसको एडवांटेज रहेगा ये टॉपिक। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इंशाल्लाह एडवांटेज लेने की। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, दिया गया पीडीएफ पढ़ के आए ना तुम लोग, पढ़ के आए पीडीएफ? पढ़े जी तो दोनों पीडीएफ से पढ़ेंगे हम। तो जो ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वहां से, और पढ़ते वक्त किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो भी चेक कर लेंगे हम, कौन सी लाइन से, कौन सी वर्ड से, किस तरीके से पूछ सकता है वो भी हम नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज, जैसा हम दिल्ली सल्तनत में देखे थे, दिल्ली सल्तनत में हमने 5 डायनेस्टीज को पढ़ा था, उसी तरीके से विजयनगर एम्पायर में हम 4 डायनेस्टीज को पढ़ते हैं, 4 डायनेस्टीज। तो विजयनगर एम्पायर का टोटल टाइम पीरियड होता है 1336 से 1672। तो 1336 में दिल्ली सुल्तान कौन था? 36, वेरी गुड, वेरी गुड, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन खिलजी, खिलजी मोहम्मद खिलजी का तो टाइम पीरियड वहां 26-20 तक ही कंप्लीट हो जाता, उसके बाद खिलजी के बाद, ठीक है, तुगलक साथ है, फिर सही आ जाता है। तुगलक में इंपॉर्टेंट तुगलक जो रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका पीरियड होता है ये, ठीक है। तो हम पढ़े थे देवानगरी या फिर दौलताबाद को कैपिटल शिफ्ट करने की बात भी देखे थे ना। तो विजयनगर एम्पायर कब फाउंडेशन हुआ, उसका कौन दिल्ली सुल्तान था बोलकर एक सवाल आता, तो ये डेट याद रख लेना 1336। तो 1336 में दिल्ली सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है। ये फिर कब तक चला लास्ट, थोड़े बुक्स में तुम्हारे 1672 देता है और थोड़े बुक्स में तुम्हारे 1565 देता है। तो ये 1565 का सिग्निफिकेंस है, 1565 का जो सिग्निफिकेंस है वो असल में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा में जो बहमनी किंगडम्स के जो डायनेस्टीज होते हैं ना 5, तो तीनों चारों पावर से एक जगह हो जाते और विजयनगर एम्पायर एक तरफ हो जाता। तो ये जो फाइट होती उसमें है सो विजयनगर एम्पायर और विजयनगर सिटी खत्म हो जाती एक्चुअली। तो इसलिए थोड़े जगहों पर तुम्हारे डेट मिलेगी 1565 और थोड़े जगहों पर तुम्हारे को मिलेगा 1672। तो 1565 मिलने का मतलब है वो बैटल ऑफ तालीकोटा दैट एक्चुअली इंडेड द ग्लोरी ऑफ विजयनगर एम्पायर, ग्लोरी खत्म हो गया। उसके बाद तो 100 साल एक्स्ट्रा चल रही है वो, लेकिन ग्लोरी खत्म हो गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर से किसी बुक में 1565 दिया तो बैटल ऑफ तालीकोटा दैट एंडेड द ग्लोरी और ग्लोरियस पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड फाइनल 1672 तक चला हो। तो ये 4 डायनेस्टी को ऑर्डर में जुड़ाई है, ऐसा भी सवाल आता है तुम्हारे को, छोटे छोटे एग्जाम्स में भी आता। तो सबसे पहले संगमा, फिर इसके बाद सलुवा, तलुवा, अरविडु, सो SSTA। तो कैसा याद रख लेना, शॉर्टकट में याद रख लो, सबसे पहले संगम, तो संगमा डायनेस्टी, फिर STI रहता अपने पास तो STA पकड़ लो, सलुआ,
तुलुआ एंड अराविडु, ये चार डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजी में याद रख लो। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत वालों को भी याद रखे थे, SKTSL। अब विजयनगर एम्पायर को पहले एस संगमा, फिर STA, सुलुवा तुलुवा अरविडु। अब इसमें हमारे को जो याद रखना रहता, संगमा फर्स्ट डायनेस्टी है और इसके विजयनगर एम्पायर के फाउंडर्स जो होते हैं, हरियारा जो होता है वो संगमा डायनेस्टी से, और उसका बेटा होता है बुक्कावध, तो वो भी संगमा से होते हैं। आगे के पीरियड में एक इंपॉर्टेंट राजा आता है हमारे, कृष्ण देवराय, वो तुलुवा से, तुलुवा डायनेस्टी। तो इतना ही ये डायनेस्टीज में याद रखना है अपने को। पहले तो ऑर्डर संगमा, सुलुवा, सलुवा, तुलुवा, अरविडु, संगम से हरिहरा बुक्का, और कृष्ण देवराय तुलुवा से। ये हो गया। अब ये जो इंफॉर्मेशन मिली हमें विजयनगर एम्पायर की, बेसिकली वही आर्कोलॉजिकल सर्वे से, लिटरेचर से मिलता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे फॉर एग्जांपल हम्पी जो सिटी है कर्नाटक में, तो वहां पर जब एक्सकावेशन हुआ 18 सेंचुरी के बाद वहां पर, तो वहां पर मिला हमें हम्पी से। लिटरेरी सोर्सेस, कृष्णा देवराय का वर्क खुद है, कल्याण, वो क्या, अमुक्तमाल्यदा, जम्बावती कल्याणम, इसके वर्क है, और बहुत सारे तेलुगु एंड संस्कृत पोइट भी थे उस वक्त, उनका भी वर्क है। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती, इफिग्राफी से भी मिलती। हम्पी, हम्पी जैसा पता है ये जो सिटी थी जो खत्म हो गई, लेकिन अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सिटी को रखता है। हम्पी सिटी या हम्पी किस नोट पर मेंशन है? करेंसी नोट 50 हाँ हाँ 50 पे हम्पी है, 200 पे क्या है? 200 पे संचित स्तूप है, स्तूपा है। गुड, अब याद हो गए चीजा। और 10 की नोट पे भी कुछ था, हम पढ़े थे इससे पहले, वो भी कवर करते हुए, कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, गुड गुड, हाँ सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, वही कोणार्क टेम्पल बोलना। चलिए, तो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे को, म्यूट कर लो, हम्पी से रिलेटेड पूछा था। हम्पी को म्याज दी फॉलोइंग में दिया था, और उसके सामने रिवर कौन सी मिलती है ऐसा दिया था 2019 में। तो हम आगे सब पढ़ेंगे, हम्पी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आर्कोलॉजिकल साइट हम्पी, लिटरेरी वर्क अमुक्तमाल्या दादा जो कृष्ण देवराय का वर्क है, उसी तरीके से फॉरेनर्स भी आते हैं उनके अकाउंट में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स आते हैं, अब्दुल रज्जाक आता है, नूनी आता है, पाइस आता है, सब बहुत सारे लोग आते हैं ये पीरियड में। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है विजयनगर किंगडम की, तो फाउंडेशन कब हुआ, 1336। तो 1336 में दिल्ली सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT याद रखो। और हुआ द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, हरिहरा एंड बुक्कावर। तो हरिहरा एंड बुक्का नाम देता कभी तुमको, या हरिहरा देता, कंसिडर कर लेना। विच डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी। तो ये पहले पहली डायनेस्टी रहती विजयनगर एम्पायर में, संगमा, फाउंडर हरिहरा वन एंड बुक्का वन, टाइम 1336। तो ये हरिहरा या बुक्का कौन थे, ये या संगमा डायनेस्टी क्या थी? सो बेसिकली दे वर दी फ्यूडिटरीज ऑफ काकतिया रूलर्स, तो उनके लिए काम करते थे पहले काकतिया किंगडम के वास्ते। देन ये हरिहरा एंड जो है उसका बेटा बुक्का, तो हरिहरा दे वेंट टू कंपिली वेर दे वर इम्प्रोस्ड। ये कंपिली जो नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, एक्चुअली इट इंडिकेट्स ए किंगडम, एक किंगडम था पहले कंपिली, ठीक है, तो कंपनी नाम का किंगडम था, वहां पर इनको कैद कर लिया गया था, ये कहानी है समझो। फिर वो कैद से निकलते हैं, दिल्ली जाते हैं, फिर वहां से कहानी बढ़ती है इनकी, तो वो पूरा स्टोरी। फिर फाइनली वो अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं, और इंडिपेंडेंस घोषित करके दे फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन रिवर तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा रिवर के करीब एक न्यू सिटी फॉर्म करते हैं, वही सिटी का नाम विजयनगर भी होता है, और उनकी किंगडम का भी नाम भी विजयनगर रख देते हैं। ये सवाल 2015 में पूछा था UPSC ने।
ठीक है, तो 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसने तुंगभद्रा रिवर देने के बजाय क्या नाम दिया था, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर बोलकर दिया था वहां पर, क्वेश्चन तुम लोग देखे होंगे। तो तुंगभद्रा इज दी ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, पता है अपने को? बाहर से साउंड आ रहा तुम्हारे लोगों को पूरा? नहीं सर, ठीक ठीक है ना, एक मिनट। हाँ चलिए, अटेंशन प्लीज। तो 2015 में यहां से ही सवाल पूछा गया था, पूरा ये पैराग्राफ दे दिया उसने, ये पैराग्राफ देकर बोला उसने कि एक नया सिटी, नया किंगडम फॉर्म किया गया था कहां पर, ऑन द रिवर विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ऐसा पूरा दिया था। वो राजा कौन था पूछा था, आंसर था तुम्हारा हरिहरा वन वहां पर, ठीक है। सो दैट सिटी नेम एज वेल एज किंगडम नेम बोथ आर सेम, विजयनगर, सो मीनिंग सिटी ऑफ विक्ट्री। तो ये सवाल 2019 में 15 में पूछा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो टाइम पे आंसर निकलना मुश्किल था। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ए ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा, तुंगभद्रा रिवर ने दिया उन्हें, ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा, एंड अंडरटूक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ ए डीटी टू होम ऑल द लैंड ऑफ साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वॉज सपोज टू बिलोंग। तो यहां पर देखो हरिहरा वन है, बाकी ये अश्मा घोष, बल्लाला टू, प्रताप रुद्र, ये तो नाम हम देखे ही नहीं, ठीक है। तो सीधा हरिहरा वन इसका आंसर था। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लेकर आया तुम्हारे को, विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री वॉज द नेम ऑफ द सिटी एज वेल एज ऑफ एम्पायर। 1336 में हरिहरा वन एंड बुक्का वन दोनों ने फाउंडेशन डाला था इसका, ठीक है। रिवर तुंगभद्रा रिवर थी वो जो ट्रिब्यूटरी थी। आज की डेट में हम्पी, विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल सिटी है हम्पी, ठीक है। तो ये हम्पी नेम जो है एक्चुअली लोकल गॉडिस जो है पंपा देवी, उसके नाम से है ये पंपा देवी। तो ये थोड़ी चीजें अपने को मालूम रहना कल भी, अच्छा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हम्पी के बारे में, पंपा देवी। तो ये सवाल पूछा गया था 2015 में, उस वक्त बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए थे, अब तुम लोगों को समझ में आ गया। देन अब संगमा डायनेस्टी, हरिहरा वन एंड बुक्का वन की हम जर्नी देखेंगे, पॉलिटिकल जर्नी। 1336 में फाउंडेशन कर दिए, अब एक्सपेंशन चल रहा है। सो जो होसाला किंगडम था कर्नाटक का, वो पूरा का पूरा एरिया ये लोग कंट्रोल कर लिए। तो होसाला किंगडम का भी पूरा एरिया किसको आ गया, विजयनगर एम्पायर वालों को आ गया। उसके साथ साथ मदुराई तक भी चले गए वो लोग, मदुराई को भी अपने कब्जे में ले लिए। फिर इस तरीके से विजयनगर एम्पायर का कहां तक चले गया, रामेश्वरम, इतना साउथ तक चले गया एरिया। अब क्या होता था, विजयनगर एम्पायर वर्सेस बहमनी सुल्तान, इनके बीच फाइट हुआ करती थी, कंफ्लिक्ट बिटवीन दिस टू पावर्स फॉर थ्री मेन रीजंस। क्या थे वो तीन मेन रीजंस? एक था ये एरिया रायचूर दोआब, दोआब यानी दो दरियाओं के बीच का इलाका रायचूर दोआब। दो दरिया कौन थे, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो ये कृष्णा रिवर, ये तुंगभद्रा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी, ये जो बीच का इलाका है रायचूर। सो रायचूर दोआब के वास्ते दोनों फाइट लड़ लेते थे। इसके अलावा कृष्णा एंड गोदावरी, तो ये कृष्णा थी, इधर से गोदावरी आ रही, इन दोनों के बीच का जो फर्टाइल लैंड है उसके लिए भी लड़ते थे, ठीक है। इसके अलावा मराठावाड़ा रीजन के वास्ते भी लड़ते थे बेसिकली। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर रूलर्स एंड सुल्तान, बहमनी सुल्तान, रायचूर दोआब के वास्ते भी होती थी, फर्टाइल डेल्टा लैंड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी एंड मराठावाड़ा रीजन, उस वजह से भी होती थी। तो ये था संगमास। संगमास के बाद है सो सलुवा लोग हुकूमत करते हैं, सलुवा डायनेस्टी। सलुवा का टाइम पीरियड 1485 से
1505 तक होता है। ज्यादा बड़ा पीरियड नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रूलर नहीं है वहां पर, ठीक है। तो संगमा सलुवा, अब चलो इंपॉर्टेंट है अपने को, अब तुलुवा डायनेस्टी। तो संगमा हो गया, सलुवा हो गया, अब तुलुवा। तुलुवा क्यों इंपॉर्टेंट है बोले तो उसमें एक इंपॉर्टेंट राजा होता है कृष्णा देवराय। तो तुलुवा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वीरा नरसिम्हा राय। तो वीरा नरसिम्हा राय वाज द एक्चुअल फाउंडर एंड वन इंपॉर्टेंट किंग कृष्णा देवराय हु बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। कृष्णा देवराय मिलिट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल भी वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। और मेंस 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया मेंस 2016 में देख लो, इसके ऊपर देखे होंगे वैसे भी तुम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन था। कृष्णा देवराय द किंग ऑफ विजयनगर वॉज नॉट ओनली अकॉम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट ऑल्सो ए ग्रेट पेट्रोन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। डिस्कस, ना सिर्फ वो खुद अपने आप में एक स्कॉलर था इंपॉर्टेंट समझो, उसके साथ साथ उसने लर्निंग एंड लिटरेचर को भी प्रमोट करने में काम किया, यस, तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन यहां मिल जाता। तो हम जैसा भी आर्ट एंड आर्किटेक्ट को पढ़ रहे ना, तुम लोग देख रहे होंगे सारे क्लासेस में जो टाइम पीरियड पढ़ रहे या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे या जो डायनेस्टी पढ़ रहे, हम उसी के साथ उनको रिलेट करते हुए पढ़ ले रहे, अलग से आर्ट एंड आर्किटेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। समझ में आ रहा ना? जी सर। हाँ, तो अब कृष्णा देवराय की बारी आ गई। तो मिलिट्री एबिलिटी भी बहुत अच्छी थी उसके साथ, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज भी थे। तो पहला काम इसका क्या था, बहमनी फोर्सेस को चेक करना, बहमनी किंगडम वर्सेस विजयनगर एम्पायर, ये फाइट हुआ करते थे वहां पर। और बहमनी किंगडम के बाद वहां पर सुल्तान दिल्ली के जो दक्कन के सुल्तान थे उनका भी आ गया, क्योंकि बहमनी किंगडम बाद में 5 पावर में डिवाइड हो जाती, अहमदशाही, इमादशाही, कुतुबशाही, पता है ना। तो बहमनी किंगडम डिवाइड हो जाती 5 दक्कन सुल्तान, फिर उनके साथ फाइट रहती इनकी। तो अब वो जो रायचूर दुआब था वो एरिया के लिए फाइट होती, और कृष्णा देवराय वहां पर सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी हरा देता और रायचूर दुआब पे कब्जा कर लेता। इस तरीके से इसको थोड़े से विक्ट्रीज मिलते किसके खिलाफ, दक्कन सुल्तान के साथ। फिर इसके साथ साथ कृष्णा देवराय मिलिट्री के लिए अपने जाना जाता है ना, इसीलिए कलिंगा कैंपेन यानी उड़ीसा के रीजन पे भी वो जाता है और सक्सेसफुल कैंपेन हो जाता है वहां पर भी। इसके साथ इसके जो रिलेशंस होते हैं, गोवा का जो गवर्नर होता है पुर्तगीज गवर्नर अल बखर, इसको बाद में भी पढ़ते हम, अल बरखर जो भी नाम है इसका, इसके साथ भी इसके रिलेशंस होते हैं। तो यहां पर एक चीज याद रखना, कृष्णा देवराय का कॉन्टेम्पररी पुर्तगीज गवर्नर ऑफ गोवा अल बखर रहा, और उसी तरीके से ये टाइम पीरियड देखो 1509 से 1529, तो लोधी में इब्राहिम लोधी, लास्ट लोधी भी इसका कॉन्टेम्पररी रहेगा, बाबर भी इसका कॉन्टेम्पररी रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? 1526 वाली बात बता रहा हूं मैं। हाँ, तो कॉन्टेम्पररी कौन रहे थे वो बता रहा था। एक यहाँ पर नाम मिला हमारे को, पुर्तगीज रूलर ऑफ गोवा अलबर्ग, ठीक है। अब इसके साथ ये मिलिट्री की कहानी खत्म हुई। अब इसके अदर रिलीजन के ऊपर इसका काम देखो, लिटरेचर के ऊपर इसका काम देखो, अब यहां से समझ में आता है इसका कंट्रीब्यूशन। वैष्णवेट था ये, ठीक है, विष्णु का भक्त था, बट ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, ठीक है। ही वॉज ए ग्रेट पेट्रन, ओके, पता है आंध्रा भोज कहा जाता है इसका नेम, फेमस नेम याद रखो आंध्रा भोज। इसके पीरियड में 8 स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट में, उसे अष्टा दिग्गजास कहा जाता है। तो 8 स्कॉलर्स को क्या कहते हैं, अष्टा दिग्गजास। उसमें इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था, पिद्दन्ना, अल्लाह सनी पिद्दन्ना, ठीक है। तो ये बड़ा स्कॉलर था, पोएट था वो टाइम का समझो। और ये अल्लाह सनी पिद्दन्ना को ये भी बोलते आंध्रा पितामा, क्या बोलते, आंध्रा पितामा या आंध्रा कविता पितामा,
किसे कहते हैं? अल्लाह सानी पिद्दन्नाकु। बहुत बड़ा शायर था, समझ लो वो टाइम का पोएट था, और उसका इंपॉर्टेंट वर्क मनुचरितम था, हरिका था, सरम। किसका वर्क है ये? अल्लाह सानी पिद्दन्ना का वर्क है, जो किसका कोर्ट पोएट था? कृष्णा देवराय का। अल्लाह सानी पिद्दन्ना को क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? आंध्रा पितामा। फिर उसी तरीके से दूसरे इंपॉर्टेंट पोएट जो थे, पिंगली सूरन्ना, तिनाली रामकृष्णा। तो सूरन्ना, रामकृष्णा, तिनाली, ये लोग भी थे। इसके साथ रामकृष्णा, ये कृष्णा देवराय हिमसेल्फ, इसके इंपॉर्टेंट वर्क थे तेलुगु में, अमुक्तमाल्यदा। इंपॉर्टेंट वर्क तेलुगु में क्या है? अमुक्तमाल्यदा। संस्कृत में इसका एक ड्रामा है, जंबावती कल्याणम, एंड अनदर वर्क उषा परिणम। तो इसके तीन वर्क को नाम याद रख लो, तेलुगु वर्क है अमुक्तमाल्यदा, संस्कृत वर्क जंबावती कल्याणम एंड उषा परिणायम। तो ये पूरा पैराग्राफ मेंस में लिखने की जरूरत थी, ये पूरा पैराग्राफ क्या लिखने की, इसके टाइम पे जो एट इंपॉर्टेंट पोएट्स एंड स्कॉलर्स होते थे उसमें एक अल्लासानी पिद्दन्ना, जो फेमसली आंध्रा पितामा कहलाता है, उसका इंपॉर्टेंट वर्क मनुचरितम एंड हरिका थसारम जो भी है। उसके साथ अदर इंपॉर्टेंट पोएट्स कौन थे? सूरन्ना, तिनाली। कृष्णा देवराय का भी अपना इंपॉर्टेंट वर्क है, तेलुगु वर्क अमुक्तमाल्यदा, संस्कृत वर्क जंबावती कल्याणम, सो ऑन। ये पूरा मेंस में लिखने की जरूरत थी। अब देखो आगे, तो अब लिटरेचर से हो गया, अब आर्ट एंड आर्किटेक्ट पे जाओ। टेम्पल आर्किटेक्ट में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, थोड़े से टेम्पल्स को इसने रिपेयर किया, एंड ही बिल्ड द फेमस विट्ठल स्वामी टेम्पल एंड हजारा रामी टेम्पल एट विजयनगर। दो इंपॉर्टेंट टेम्पल है कर्नाटक में आज भी, विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामी टेम्पल, हम्पी में मिल जाते हैं आज भी। तो विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामी टेम्पल, विजयनगर एम्पायर का किस राजा ने? कृष्णा देवराय। एंड कृष्णा देवराय ने एक सिटी भी बनाया नागालापुरम, ठीक है, नागालापुरम शहर भी इसने बसाया। अब यहां से कृष्णा देवराय की कहानी खत्म हो जाती, समझो। इसके साथ साथ क्या है, बिसाइड ही बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ गुपारम्स, राजा गुपारम्स। तो वो मंदिर के एंट्रेंस पे एक बड़ा सा गेट होता है ना, वो गेट को गुपारम्स बोलते हैं। तो ये भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो अगली बार अगर से आर्ट, आर्किटेक्ट, लिटरेचर, पर्सनालिटी के हिसाब से कृष्णा देवराय के ऊपर क्वेश्चन आया तो सब कुछ लिख दे सकते तुम लोग, या उसने जो पूछा खाली आर्ट एंड लिटरेचर बोला तो इतना ही लिखना है तुम्हारे, ये दो पैराग्राफ ना। अब ये जो स्टोरी बोला था भाई 1565 की बैटल ऑफ तंगड़ी बोल के दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, तालीकोटा भी बोलते इसी को। तो ये बैटल में क्या हुआ था, जो इनका गोल्डन ईरा था विजयनगर एम्पायर का, वो खत्म हो जाता है। द बैटल वॉज जनरली कंसिडर्ड टू मार्क द एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर, हाउएवर उसके बाद 100 साल अरविडु डायनेस्टी के जरिए से ये हुकूमत चलती रही। तो तुलुवा के बाद कौन सी डायनेस्टी आती? अरविडु। और लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कौन है? श्रीरंगात्री, श्रीरंगात्री। तो हम क्या पढ़ लिए अभी तक? संगमा, सलुवा, तुलुवा इंपॉर्टेंट था, कृष्णा देवराय के बारे में पढ़े, देन अरविडु, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे फोटोआ भी देता बुक्स में, कृष्णा देवराय इंपॉर्टेंट पर्सन था ना इसलिए। तो पूरा ओवरऑल विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन जब देख रहे, एडमिनिस्ट्रेशन वेल ऑर्गेनाइज था, किंग जो होता था एब्सोल्यूट अथॉरिटी इंजॉय करता था, एग्जीक्यूटिव मैटर में, जुडिशियल मैटर में, लेजिस्लेटिव मैटर में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था ये अपने आप में, किंग एब्सोल्यूट था। किंग को असिस्ट करने के वास्ते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, और किंग का जो थ्रोन होता था वो हेरिडिटरी होता था, ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के वास्ते एरिया का डिविजन कैसा होता था? मंडलम, नडु, स्थल एंड ग्राम, ठीक है। और जो गवर्नर जो होता था प्रोविंस का, मंडलम का, उसको नायक बोलते थे। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में खास बात क्या थी,
विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल अथॉरिटीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छा था. सो विजयनगर रूलर्स गिव फुल पावर टू दी लोकल अथॉरिटीज, और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसे कहते हैं आयागार सिस्टम. क्या बोलेंगे उसे? आयागार सिस्टम. ए सिस्टम ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, आयागार सिस्टम इज रिलेटेड टू, बोलकर पूछा. तो रिलेटेड टू विच किंगडम? विजयनगर किंगडम. तो ये याद रखो, आयागर सिस्टम क्या है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. ट्वेल विलेज सर्वेंट्स होते थे जो अपना रोल प्ले करते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, वही सिस्टम को आयागार सिस्टम बोलते हैं. बस इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे तो पैसा कहां से आता था? रिवेन्यू. इनको एक लैंड रिवेन्यू, उसके बाद गिफ्ट भी ले लेते थे, ट्रिब्यूट्स भी ले लेते थे ये लोग, उसके साथ साथ पोर्ट्स पे सो कस्टम ड्यूटी लगाते थे, प्रोफेशनल टैक्स भी लगाते थे. देखो टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोफेशंस, ये बहुत यूनिक है इनके पास, टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोफेशंस. तो इससे गवर्नमेंट को इनकम आती थी टैक्सेस से. और पनिशमेंट कैसा था वो टाइम पे? हार्श पनिशमेंट था. ठीक है, हार्श पनिशमेंट था. इसके साथ इनकी आर्मी कैसी थी? वेल ऑर्गेनाइज, इफिशियंट. क्या हुआ, किसकी आवाज है? सब कुछ ठीक है? यस सर. हाँ ओके. चलिए, तो रेवेन्यू कहां से आ रहा था गवर्नमेंट को वो देख लिया हम. पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रीलिम्स में पूछा था सवाल. सो टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोफेशंस, तो जो है इनकम टैक्स दिया करते थे, वो टाइम का इनकम टैक्स था. वेरियस प्रोफेशंस बोले तो इनकम टैक्स भी देते, प्रोफेशनल टैक्स भी दे रहे यहां पर, और उसके साथ लैंड रेवेन्यू हो रहा, कस्टम ड्यूटी भी लगा रहे ये लोग. और लैंड रेवेन्यू 1/6 होता था, पनिशमेंट हार्श थी उस टाइम पे, आर्मी कैसी थी? इफिशियंट थी, वेल ऑर्गेनाइज थी. आर्मी में सब कुछ था, एलिफेंट भी थे, इन्फेंट्री थे, आर्टिलरी थी, ये सब. एंड हॉर्सेस भी थे, खास तौर पर फॉरन से खरीदे जाते थे घोड़ों को. टॉप ग्रेड ऑफिसर्स को नायाकास कहा जाता था या फिर पुलिगर्स कहा जाता था. सो पुलिगर्स और दी नायाकास और दी नायक्स, क्या थे ये? टॉप ग्रेड मिलिट्री ऑफिसर थे. सो देवर ग्रांटेड लैंड इन लियू ऑफ देयर सर्विसेस, तो इन्हें भी लैंड डोनेशन दिया जाता था इनकी सर्विसेज की तरफ से. तो उस लैंड को अमारम बोलते थे. सो अमारम लैंड ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर किसे दिया जाता था? मिलिट्री ऑफिसर्स को ग्रांट किया जाता था, ठीक है, फॉर देयर सर्विसेस. और सोल्जर्स को पे करते थे कैश में, पेड इन कैश. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. सोशल लाइफ कैसी थी? देखो कास्ट सिस्टम था. पिद्दन्ना बता रहा, अल्लासानी पिद्दन्ना, जो आंध्रा पितामह है, वो अपनी बुक मानुचरितम में बता रहा, फोर कास्ट थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्या शूद्रास थे. और फॉरेन ट्रैवलर्स भी उनके अकाउंट में क्या बता रहे? सोशल लाइफ बहुत लग्जरियस थी, लोग बहुत खुशहाल थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, सिल्क कॉटन के कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, परफ्यूम. ओके, इसके साथ ब्यूटीफुल हाउसेस थे, सब कुछ था, लेकिन साथ में स्लेवरी भी थी. स्लेवरी भी थी उस वक्त. कौन बता रहा? निकोलो कुंटी बता रहा कि भाई स्लेवरी भी थी. उसके साथ एंटरटेनमेंट का सामान भी था इनके पास, डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग, कुक फाइटिंग, ये भी चल रहा है. देन पोजिशन ऑफ वुमेन ज्यादा इंप्रूव नहीं थी, और थोड़ा सा यहाँ पर इनोवेशन भी आया था वुमेन के लेकर. चीजें देखो, पोजिशन ऑफ वुमेन नॉट इम्प्रूव मच, हाउएवर सम ऑफ देम वर लर्न वुमेन. ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि एजुकेटेड वुमेन भी नजर आएंगे तुम्हारे को, फेमस पोएट, वुमेन पोएट भी नजर आएंगे इनके पीरियड में. ठीक है, वुमेन पोएट भी. और उसके साथ साथ वुमेन को स्टेट सर्विस में रखा जाता था, देवर इंप्लॉयड इन रॉयल पैलेसेस एज डांसर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, सो ऑन. तो स्टेट सर्विस में दिया जाता. इसके साथ साथ देवदासी सिस्टम देखा जाता है यहाँ पर.
वुमेन को है सो या गर्ल को है सो डोनेट कर दे जाना किसी भगवान को और टेम्पल को. सो डांसिंग गर्ल्स टू द टेम्पल्स. और यही फॉरन अकाउंट में बताया जा रहा कि देवदासी सिस्टम था. उसके साथ पॉलीगैमी थी, सती प्रैक्टिस भी थी. लेकिन इसके साथ साथ दूसरे बुक्स में यह भी है कि वीडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे ये लोग. वीडो रीमैरिज होती थी इनके टाइम पे, तो ये भी अच्छी बात है. लेकिन ओवरऑल कंडीशन ज्यादा इंप्रूव नहीं है. हाँ, इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है. विजयनगर एम्पायर वॉज वन ऑफ द वेल्थीएस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर क्या था, चीफ ऑक्यूपेशन था. इरिगेशन फैसिलिटी दिया जाता था, टैंक इरिगेशन था, डैम से भी इरिगेशन होता था, ठीक है, अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर. कनाल्स को भी एक्सावेट किया गया था. तो इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रमोशन इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे थे. ओके, यहाँ विट्ठल स्वामी टेम्पल की फोटो दिया उसने. तो एग्रीकल्चर हो गया. फिर इंडस्ट्रीज कैसा था, वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज इंटू गुल्ड्स. ओके, मेटल वर्क भी होता था, अदर वर्क भी होता था. उसके साथ साथ माइनिंग भी हो रही, डायमंड माइंस लोकेटेड इन कर्नूल, अनंतपुर. तो आंध्रा का जो रीजन है वहां पर तुम्हारे को डायमंड माइंस भी नजर आएंगे, ठीक है. इसके साथ ट्रेड कैसा था इनके टाइम पे, माइनिंग हो गया, ट्रेड. तो कैश इकोनॉमी थी, गोल्ड कॉइन्स थे, जिसे वराहा कहा जाता है, गोल्ड कॉइन्स वराहा, ठीक है. इसके साथ साथ कोस्टल ट्रेड है, इनलैंड ट्रेड है, सी पोर्ट से हो रहा है ट्रेड. कहाँ जा रहे, अरब जा रहे, पर्शिया जा रहे, साउथ अफ्रीका जा रहे, बहुत दूर तक जा रहे. और इधर साउथ ईस्ट एशिया में मले पेंसुला जा रहे, बर्मा जा रहे, चाइना जा रहे. क्या एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, सिल्क, मसाले, स्पाइसेस, राइस, आयरन, शुगर, साल्ट पीटर. और ये सवाल का जवाब तुम्हारे को बाद में ब्रिटिश के टाइम पे भी मिलता, जो 2019 में एक सवाल पूछा था बंगाल से, हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बोलकर. तो ये कीवर्ड है साल्ट पीटर, स्पाइस, कॉटन, ठीक है, ये सब पहले भी करते थे हम. क्या इंपोर्ट कर रहे थे हम, हॉर्सेस, घोड़े, मोतिया, पियरल्स, उसके साथ साथ चाइना सिल्क एंड अदर थिंग्स हम इंपोर्ट भी कर रहे. शिप बिल्डिंग एक्टिविटी भी बहुत डेवलप थी. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी था अच्छा खासा. कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी, कल्चरल में टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी. और खास तौर पर इनके जो है टेम्पल आर्किटेक्ट को एक नाम भी दिया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम. तो क्या था इनके उसमें की चीज, गुपारम, राजा गुपारम. तो जो एंट्रेंस गेट होता है मंदिर का बड़ा सा, उसको गुपारम बोलते. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ टाल गुपारम्स और द गेटवे. इसके साथ साथ मंडपास हाल, कल्याणी मंडपास, जहां पर है सो डीटीज की मैरिज सेरेमनी की जाती है, कल्याण मंडपास. ये सवाल पूछा गया 2019 प्रीलिम्स में, कल्याण मंडपास कौन से आर्किटेक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर है बोलकर. विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्ट, तो कल्याण मंडपास. उसके साथ टेम्पल्स में खास चीज जो नजर आती है अपने को, पिल्लर्स और हाल, पवेलियन, पिल्लर्स. ये पिल्लर्स पे भी बहुत खूबसूरती से तराशा गया, और हर पिल्लर पे तुम्हारे को एक इंपॉर्टेंट एनिमल नजर आएगा, घोड़ा, हॉर्स. हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन दिस पिल्लर्स. मंडपास जो होते हैं लार्ज होते हैं यहाँ पर, और कल्याणी मंडपास बोला मैं तुम्हारे को, जहां पर डीटीज की मैरिज सेरेमनी की जाती थी. तो मंडपास को क्या करते, फेस्टिवल ओकेशन पे डीटीज को लाते मंडपास में, ये होता है. और उसके साथ साथ अम्मन टेम्पल्स, अम्मन टेम्पल्स यानी छोटे देवियों की, देवियों की भी है सो टेम्पल्स बनाते थे इन लोग. तो ये सारा इनका कंट्रीब्यूशन है. क्या है, कल्याण मंडपास, राजा गुपारम, मंडपास, पिल्लर्स एंड अम्मन शिरिन या फिर अम्मन टेम्पल्स. इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स जो हम्पी में आज मिलते हैं हमारे को, कैपिटल था हम्पी विजयनगर एम्पायर का, अब खत्म हो गया. तो विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामी टेम्पल हम्पी में मिलेंगे, हम्पी में विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामी टेम्पल. उसके बाद कांचीपुरम में तुम्हारे को मिलेगा वृधराज टेम्पल, एक अंबरनाथ टेम्पल, कहां पर, कांचीपुरम में.
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी दे सकते तुम। इसके साथ साथ टेम्पल आर्क के बाद मेटल इमेज मेकिंग, इमेज मेकिंग भी इनके पास मेटल से काम चलता था। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा देवराय की भी इमेज बनाई गई, उसकी बीवी की भी बनाई गई, ऐसा चल रहा। म्यूजिक डांस ये भी यहाँ पर प्रमोट हुआ। वेरियस लैंग्वेजेस भी प्रमोट हुए इंक्लूडिंग संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, क्योंकि खुद कृष्णा देवराय का वर्क तेलुगु लैंग्वेज में भी है अमुक्ता मालिया दादा, और संस्कृत में भी है इसका जम्बावती कल्याणम, और उसका इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट भी था पिद्दन्ना, उसका वर्क मनुचरिता देखे हम, तो तेलुगु लिटरेचर भी बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ। तो विजयनगर एम्पायर का कंट्रीब्यूशन आर्ट, आर्किटेक्ट, इमेज मेकिंग, म्यूजिक, डांसिंग, लिटरेचर सब में देख सकते हैं। ठीक है, ये बाकी की स्टोरी तुम लोग पढ़ ले सकते हैं यहां पर से, यहां पर स्टोरी खत्म हो जाती। अब यहां पर हम्पी के बारे में भी स्क्रीनशॉट निकाल के दे दिया मैं। तो हम्पी क्या है आज के डेट में? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं या ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं हमारे को, और ये 50 की नोट पे हम्पी है हमारे को, जाकर विजिट भी कर सकते, कोई जाना चाह रहा तो हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जा सकता है आज भी। इंपॉर्टेंट टेम्पल विरूपक्षा टेम्पल भी वहां मिल जाएगा तुम्हें। कौन सी रिवर कने है हम्पी? तुंगभद्रा, और 2019 में रिवर गलत लिखा था उसने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला देख लिया अपन। नाउ विजयनगर एम्पायर का 2015 का क्वेश्चन, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णा देवराय, टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, प्राइवेट ऑनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स, बोथ आर करेक्ट। अभी हम कंटेंट नहीं पढ़े लेकिन वो दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर हम्पी एंड मालप्रभा, यहां पर आना है तुम्हारे को कौन सी रिवर? तुंगभद्रा, ये कट, ये कट, ये कट, आंसर 192, सीधा आंसर आ गया तुम्हारा। फिर इसके बाद पूछा कल्याण मंडप वाज नोटेबल फीचर इन विच टेंपल आर्किटेक्ट, विजयनगर हो गया 2019 का, और ये कृष्णा देवराय के ऊपर सवाल पूछा। तो इतना काफी है, कल और एक बार लगे तो विजयनगर एम्पायर को यहां से रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद बहमनी किंगडम को पढ़ेंगे। देखो बहमनी किंगडम यहां पर है, बहमनी किंगडम, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल भी थोड़ा रिवाइज कर लेके बहमनी किंगडम खत्म करेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है, रख सकते जी सर, सर जी, ओके राइट, थैंक यू।